और सब एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। 12:30 हो रहे हैं और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, बहन भी रेडी हो चुकी है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़। तो एक्चुअली बहन के व्लॉग में हमने देखा कि बहन का थोड़ा शुगर का वो चल रहा है ऊपर नीचे, तो उस वजह से हमको बहन के साथ पहले जाना है हॉस्पिटल क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ बुलाया, कुछ डाइटिशियन वगैरह ने बुलाया, वो डाइट वगैरह चेंज होगी, कुछ थोड़ा हाई शुगर आ रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम पर उतना नहीं आना चाहिए, तो उससे रिलेटेड बहन को वहाँ जाना है। और दूसरा मुझे जाना है चंडीगढ़ में कल्याण ज्वेलर्स के पास बाई सेक्टर में, तो थोड़ा काम है वहाँ पे, वो सारा निपटाएंगे। शास्त्री मार्केट है वहीं पे पास में, देखते हैं बहन को दिखाऊंगा फर्स्ट टाइम, जो मार्केट बहन इतने टाइम से पूछ रही थी कि कहाँ पे अच्छा मिलता है, अगर मन हुआ तो जाएंगे वहाँ, अदरवाइज़ वहीं से वापस आ जाएंगे। तो फिलहाल निकलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर चुके हैं और होपफुली जिम जाने से पहले तक मैं वापस आ जाऊँ 4 बजे तक, मेरे ख्याल से 1 बजे ही निकलेंगे हम 1 बजे का टाइम है। और हाँ आज ना एक्चुअली प्लान किया था सुबह पहले कंचन को हॉस्पिटल लेके जाना था 10 बजे, तो बट कल बुखार नहीं चढ़ा, बट हमें सोच रखा था कि चले जाएंगे, बट कल बुखार नहीं चढ़ा और कल वीकनेस बहुत ही चक्कर वगैरह थे, बट आज जब मैंने सुबह फ़ोन किया, मतलब अभी बात हुई तो सब कुछ परफेक्ट है, तो आज अदरवाइज़ दोनों को लेके जाना पड़ता क्योंकि आज कंचन को बुखार भी नहीं चढ़ा कल रात से मतलब कल चढ़ा ही नहीं एक्चुअली इतना, बट अभी कंचन हम शाम तक देखते हैं, अगर शाम तक नहीं होता है दोबारा तो जाने की ज़रूरत नहीं अदरवाइज, क्योंकि उसको वीकनेस है थोड़ा, पैरों वगैरह में पेन वगैरह हो रहा है मेन उसका वही है, तो उसको लगेंगे 2-4 दिन, बट हाँ एक अच्छा है चलो बुखार दोबारा नहीं चढ़ रहा, वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फीवर से थोड़ा बॉडी पेन हो ही जाता है और उसको थोड़ा रिकवर होने में भी टाइम लग जाता है वीकनेस वगैरह को। चलो बेदी जी, आई एम रेडी, लेट मी ऑर्गेनाइज माय फाइल्स अगेन, यू विल टेक ऑल द रिपोर्ट्स, ऑफ कोर्स वही 2-3 घंटे लगेंगे, आज तो नहीं ना। चलो बाई सेक्टर, तुम जो इतने सालों से पूछ रहे थे ना कहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं अच्छे फेमस, वही जहाँ पे हम जा रहे हैं उसी के बगल में शास्त्री मार्केट, बाई सेक्टर चंडीगढ़ का सबसे, हाँ नहीं जा सकते वैसे बता रहा हूँ, मैं ललचा रहा हूँ, इतना वायरस वगैरह हो गया, वायरल वगैरह हो गया, मास्क लेने अपन जाने से पहले, नहीं हम तो हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल से ले लियो मास्क, वहीं से ले लेना। चलो बोले तुम मशीन चला रहे हैं, मेरे कपड़े सूख जाएंगे। इसी के साथ हम आपको आज मैसेज देना चाहेंगे, कभी भी आप घर से बाहर जा रहे हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज चला के ना जाएं, यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है आपके घर की। ऑटोमेटिक क्या होता है, बंद तो हो जाएगी लेकिन फिर भी प्लग तो लगा ही रहता है ना, क्यों घर पे रहना चाहिए जब भी ऐसे काम करो। गाड़ी बाहर है देख ले, क्योंकि मेरी गाड़ी के आगे मेरी बाइक भी है, बाइक ऐसे नहीं होती है ना जगह, मेरे को एक ही पार्किंग पैसे दे रहे हैं। तो एक जगह दी है ना उन्होंने, एक जगह दी तो है उन्होंने, नहीं फ्लैट में रोड होते लेकिन एक ही पार्किंग मिलेगी। चले आज हमको पार्किंग मिल गई है, छाया में बिल्कुल, ये पासपोर्ट ऑफिस है ना, कौन सा है पासपोर्ट ऑफिस, अच्छा वो वाला है पासपोर्ट, वो तो हॉस्पिटल है सोनी, अरे ये रहा पासपोर्ट, हाँ देख लिया। चलो ओ बैग चकना भूल गया मैं, सॉरी मैम, सॉरी मैम, नहीं नहीं सॉरी मैम, मैम गुस्सा ना हो यार। सो गाइस फाइनली बहन का हॉस्पिटल का काम हो चुका है सारा, 3 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया ना, अभी मेरे काम से जा रहे हैं 22 सेक्टर जो कल्याण ज्वेलर्स के हैं, बस वहाँ का 2 मिनट का काम है, वो निपटा के जाएंगे वापस अपने घर, भूख लग रही है तो मेरी से अपनी डाइट बताएंगे कल जाके अपने चैनल पर, इनकी सारी डाइट सब चेंज कर दिया इनका, देखा जाए तो सब बंद हो गया, ऐसा झटका दिया दोनों को जिंदगी ने, बस अब इतना मतलब डैडी सानू कहते रह गए जी के कभी नहीं मानी डाइट डूट दा, वो एंटीक थी जो, हाँ उठा दी होगी शायद,
हैं बेदी। हाँ? डाइटिशियन के पास जाने से पहले बेदी साहब कहते हैं कि हम जाते जाते ना हम अवन फ्रेश चलेंगे, तो अब जाओ अवन फ्रेश सब बंद करा दिया। नो सॉसेस। हाँ बट नो सॉसेस, घर का बना हुआ पास्ता ये भूल गए। टमाटो वाला। हाँ अदरवाइज हमारा प्लान था यहीं कहीं चले जाते बट सॉरी। चायोस है वो। चायोस। और आज ही मैंने ऑनलाइन सुबह सुबह चायोस देखा और उसके अंदर था बन समोसा जो मेरा फेवरेट था। मैंने बोला यार मैं ऑर्डर करूंगी। 4 रुपए का मिलता था याद है हमारे स्कूल में। हाँ, बन समोसा बन भी मिलता था उसमें, डबल रोटी और समोसा साथ में, सिर्फ ओनली 4 रुपीज में। पर अभी सब बंद हो गया है। सो ट्रैफिक देखो यार, 22 सेक्टर में घुसते यहाँ शास्त्री मार्केट है ना। और आप जो बोल रहे थे आपको मार्केट दिखाता हूँ सबसे सस्ता वाला इधर, ये सब वहीं जा रहे हैं मेरे ख्याल से लोग देख रहे हैं। शास्त्री मार्केट में जा रहे होंगे, भीड़ बहुत होती है ना इधर। हाँ ये है, ये देख सारी पार्किंग शास्त्री मार्केट की पूरा फुल रहता है, लग ही रहा है पार्किंग की ट्रैफिक। हाँ इधर अंदर जाके है सारा ना 22 का मार्केट, खाने पीने का भी बहुत है। वेट करो, थोड़ी गड्डी बंद होगी, तुम वेट करो। कितने मिनट में आ रहा है? पूरा सामने ही है, 2 मिनट में आ गया जाके। एसी चलने चलेगा नहीं चलेगा, एसी चलने दे। सो जी मेरा कल्याण ज्वेलर्स वाला भी काम हो गया, हम निकल रहे हैं बस हम वापस घर की तरफ। यार एक चंडीगढ़ जब आता हूँ ना बस मेरा सारा ध्यान ना स्पीड पे रहता है अपनी गाड़ी की, बार बार वही देखता रहता हूँ 60 ना टाप जाए। चलान घर पे आ जाता है। हाँ चलान घर पे आ जाएगा, ये बड़ा पंगा है यार यहाँ का। सो गाइस आ चुके थे हम घर पे, 5:15 हो रहे हैं जस्ट। अभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी है अपनी और अभी जाने की तैयारी है जिम। जिम नहीं मिस करना, बारिश का मौसम हो गया है मेरे को लगता है बारिश आएगी आज। दिल्ली आएगी, दिल्ली बारिश हुई है तो यहाँ पे भी बारिश आएगी पूरा। देखो बाहर ना बादल बादल हो गया। क्या कर रही है? नहीं माइक से ना आवाज नहीं आती मेरी। रोज रोज अपना कितने जाना हो गए फिर थोड़ी लगता बंदे। देखो जी बादल ही बादल हो रखे आप, बादल है सो धूप भी नहीं आ रही है। अंग्रेज बदल वो धुप दिख रही है, धुप तो दिख रही है, देख ना दिखा शैडो दिखा। ये नहीं लाइट तो कह रहे हैं ये क्या है, धूप ही है, वेरी लाइट जो भी है, धूप तो धूप होती है भाई, लाइट हो या वो हो। वुमन मीम लगा दूंगा इसके आगे वुमन। सो गाइस वॉच माय व्लॉग, आज आ चुका है, ये कब आएगा? ये तो 10 दिन बाद आता हूं तो दिन भी तो आएगा। सो गाइस मेरा व्लॉग आ चुका है, डाइट क्या क्या खानी चाहिए आ चुका है नहीं दोस्तों। मेरा ना व्लॉग आ चुका है, आप जाइए देखिए क्या क्या डाइट में मेरे चेंज किया है प्रेगनेंसी के टाइम, जिसको शुगर का ऊपर से नीचे होता है तो जाओ देखो कमेंट करो। जिम से निकला हूँ और भाई साहब आंधी आ रही है, बादल देखो कितने हैं, अपनी बाइक तो पूरी धूल मिट्टी उड़ रही है अभी। देखो अभी कंचन से मिलने आया हूँ मैं जिम के बाद, वैसे तो मुझे आना नहीं था लेकिन कंचन ने ज़बरदस्ती बुलाया, पानी चल रही है या फिर थोड़ी देर इधर ही बैठ जाऊँगा 10-15 मिनट फिर अपने घर जाएंगे। कंचन इतनी दूर बैठना पड़ेगा? हाँ कैसी तबीयत है अभी? अभी तो फिट लग रहे थोड़ी से पहले से। दवाई से ऐसा लग रहा है मुंह भी सूजा हुआ है जैसे, थोड़ा सा दवाइयों से मैं भी जितनी भी खाई हैं। कब आ रहे हो घर फिर? सब मिस कर रहे हैं आपको, जबरदस्ती बुलाया मुझे, देखना नहीं है तुम्हें, कहानी सुननी थी जो मैंने तुमको व्हाट्सएप पे सुना थी, सामने सामने से सुननी थी तुमको। कल तो मिले हैं नवरात्रि से, कल ओहो आधे रास्ते तुम आ जा करो, आधे रास्ते मैं पार्क में मिल लिया करेंगे। ये सोसाइटी में क्या हो रहा तुम्हारे? अच्छा डॉली भी उधर ही है क्या? गाइस फाइनली बैक होम और 8 बज रहे हैं, खाना खाने लगे हैं और अभी प्लानिंग चल ही रही थी हमारी वॉक की, लेकिन आंधी चल रही थी अभी तक, हवा थी तब तक ठीक था लेकिन अभी बारिश बारिश बोल रहा, बादल गरज रहे हैं
तो ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश ना आ जाए, बट अभी कर रहे हैं पहले हम अपना डिनर जो सुबह से ढंग से हुआ नहीं था क्योंकि बाहर गए हुए थे। हो गई है मेरे तो 5 हो गई है। नहीं देखा, अगर देखो नींद आ रही है तो सो जाना, डोंट फोर्स योर बॉडी एक्स्ट्रा, नींद आ रही है तो सो जाओ। आज बहुत चल फिर के आए हैं, आज वैसे भी बहुत चल फिर के आए हैं, एग्जॉस्ट होके तो आई हैं। और आज खाने में है जी अपनी पनीर भुर्जी दाल, साथ में अचार, अपनी मल्टी ग्रेन रोटी। आ रही है क्या, कितनी आवाज़ आ रही है, तो बहुत ज़्यादा है क्या, जाना आ रहा तो तुम इतने डरते क्यों बिजली से? छोटे होते कहानी सुनिया? अरे यार थोड़ा वैक्सीनेशन कह रहा हूँ, वेंटिलेशन के लिए तो खोलो यार। बेदी साहब बचपन दी कहानियां पता भी जो बिजली कड़ के दी मामे पहुंचो कमरे च नहीं रहने, है अड अड कर दो इन्हों, है कि मतलब सुपरस्टिशियस चीजा होंगे सी, है ना आज के जमाने में। वो तो है ही है, ब्लड का रिलेशन से ज्यादा नॉन ब्लड वाले हमारी फ्रेंड या फैमिलीज होती है वो ज्यादा खड़े रहते हमारे साथ। ताई तो छोटे होंगे लड़ लड़ के दोस्तों मिल जाते होंगे जबरदस्ती, टाइम सब रियलाइज करा देता है। अब आ गया कि तू मत बदल जाना। लोगों के घर में इतना हवा का शोर क्यों होता है? याद है राजस्थान में ये पता है क्यों क्यों होता है? ये तब होता है कोई अगर जैसे विंडो वगैरह कोई छोटी सी खुली रह जाती है ना कहीं से, तो वहाँ से हवा पास होती है तो आवाज करती है। तो याद है वो तो छोटे से बहुत डरते होते थे, वो घर भी तो रेगिस्तान में होता था ना, रेगिस्तान में होता था, रेगिस्तान ही था वो। तो ना एक बार हम आर्मी में थे ना जब राजस्थान, एक बार नहीं हमेशा ही आर्मी में रहे। नहीं नहीं पोस्टिंग जब एक बार हमारी राजस्थान में थी, नसीराबाद जगह है अजमेर के पास है, तो वहाँ रेगिस्तान वगैरह, तो वहाँ पे जब आंधी तूफान आता था इतनी गंदी आवाज आती थी, मैं इतना छोटा था ना मैं बहुत डरता था, मेरी फट जाती थी। तो आवाज मतलब आंधी के बाद ऊ करके जो आती है वो यहीं पे आती है दोबारा, मतलब एक आते राजस्थान के बाद मैंने यहाँ पे सुनी है वो आवाज। ये तेरा फ्लैट हाई है उस पे है ना? ऐसा तो नहीं है कुछ यार, कुछ ऐसे विंडो वगैरह खुली रहती है छोटी सी, उसमें से निकलती है हवा तो ऐसे आवाज आती है। यहाँ मेरा बन चुका है पनीर, और गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। होपली ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you.